साथियों, हमने एक बेरोजगार युवा संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया है। सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए जो तमाम लंबित भर्तियां 2013 से वो पूरी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान की भर्ती परीक्षा प्रणाली मजबूत हो, फर्जी डिग्रियों से लेकर पेपर लीक प्रकरण के लिए एक अलग से आयोग बने और अन्य कई मांगों को लेकर हम फरवरी में एक बड़ा महापड़ाव डालने जा रहे हैं। उससे पहले अलग अलग जिलों में जाकर युवाओं से संवाद स्थापित करना और रणनीति बनाना ये हमारा कार्यक्रम है। पहले पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर के बाद अब धौलपुर में सुबह 10 बजे गांधी पार्क में हमारा संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद भरतपुर में 10 बजे लोहागढ़ स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम है, युवा साथियों से संवाद किया जाएगा। और फिर शाम 3 बजे करौली के हिंडौन में हमने युवा संवाद कार्यक्रम रखा है। इन तीनों जगह प्रोग्राम का उद्देश्य यही है, युवाओं से संवाद करना और फरवरी में होने वाले आंदोलन से उनको रणनीति से अवगत करवाना। यह आंदोलन इतना बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा। हम चाहते हैं कि समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले, जो तमाम विसंगतियां दूर हो, फर्जी लोग अंदर हो और जो तमाम लंबित भर्तियां पूरी हो, बाहर राज्यों का कोटा समाप्त हो और जो नई भर्तियों की घोषणा की गई थी उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, चाहे वो कृषि प्रेक्षक हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, चाहे नई स्कूल व्याख्याता भर्ती हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पशुधन सहायक भर्ती हो, चाहे वो डीएलबी के फायरमैन हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे जैन की हो, चाहे ऊर्जा विभाग की 2000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर हो, एएन जैन की हो, और चाहे वो सेकंड ग्रेड भर्ती हो, तमाम विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियों की मांग है। चाहे पीटीआई भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, तमाम भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो और लंबित भर्तियां पूरी हो और समय पर बेरोजगार को रोजगार मिले। इन तमाम मांगों को लेकर हम महापड़ाव डालने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि तीनों जगह आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। मैं आपके बीच में आ रहा हूं, आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस तंत्र में जो सिस्टम में जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, हम सबको मिलकर सुधारना है और माननीय मुख्यमंत्री तक और सरकार तक हमारी आवाज